कोरोना वायरस के घटते प्रभाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश भर में बंद पड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को जरूरी इंतजामों के साथ फिर से खोलने के लिए कहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कब से खोलने हैं, इसका फैसला राज्य सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति के आधार पर करने को कहा है। UGC ने फिलहाल इससे संबंध में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को पूरी स्वतंत्रता दी है, साथ ही इंस्टीट्यूट्स को खोलने के लिए जारी गाइडलाइंस को सुनिश्चित करने को भी कहा है। UGC की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस में एक समय पर 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हो सकते। इंस्टीट्यूट्स को योजनाबद्ध तरीके से छोटे छोटे बैच में क्लासेस करनी होंगी, चाहे इसके लिए पढ़ने के घंटे ही क्यों ना बढ़ाने पड़े, सप्ताह में 6 दिन क्लासेस करनी होंगी। UGC ने यह भी कहा कि पहले की तरह फील्ड विजिट, आउटसाइड कॉलेज एक्टिविटीज, स्टडी टूर्स नहीं होंगे, इन्हें जितना हो सके कम किया जाएगा। ऐसी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होगी जहां भीड़ ज्यादा हो सकती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को खोलने को लेकर UGC ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।